यदि कह रहा है उस वृत्त के केंद्र का रेखांश निकाल ज्ञात करें जो तीन बिंदुओं ए बी सी से होकर जाता है और वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करें। तो मैं एक काम करता हूँ, एक वृत्त ले लेता हूँ, यह वृत्त तीन बिंदुओं से होकर जा रहा है, इस पे कौन कौन से बिंदु है जी? एक ए बिंदु है जिसका निर्देशांक है 1.7, दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ बी है जिसका निर्देशांक है 7.-1, और तीसरा बिंदु सी इधर ले लेता हूँ जिसका निर्देशांक है 8.6। तो हमें क्या करना है, इसका केंद्र निकालना है। तो केंद्र जो होगा यहाँ होगा और उसका निर्देशांक हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स वाई है, ठीक है। ये केंद्र से ए की दूरी, बी की दूरी और सी की दूरी बराबर होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है तो समान होंगे कि नहीं होंगे ना। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र ओ है जिसका निर्देशांक एक्स वाई, ठीक है। तो ओ से ए की दूरी, ओ से बी की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर होगी। वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए ओ ए बराबर में हम लोग ओ बी लेते हैं और वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर यहाँ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू में ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा x-1 का स्क्वायर और प्लस में y-7 का स्क्वायर। अच्छा ओ बी के लिए यहाँ पर हो जाएगा x-7 का स्क्वायर और प्लस में y-1 का स्क्वायर। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर -2 × x × 1 और +1 का स्क्वायर, y का स्क्वायर माइनस में 2 × y × 7 और +7 का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर -2 × x × 7 +7 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए y स्क्वायर +2 × y × 1 और +1 का स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो ना 7 का स्क्वायर इधर भी है और उधर भी है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? चलिए अच्छा 1 भी है, 1 का स्क्वायर इधर भी है और उधर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, यहाँ -2x -14y, उधर देखिए -14x और +2y, तो वाई वाले को एक तरफ एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, -2x +14x, ठीक है, और इधर 2y प्लस का ये 14y, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12x और इधर आ जाएगा 16y। एक काम करते हैं यहाँ से हम लोग ना इसको एक तरफ कर लेते हैं या 4 से डिवाइड कर देते हैं या इसी को उधर लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तरफ कर लो और यहाँ पे कॉमन कर लो आप 4, 3x माइनस का 4y कर दीजिए, जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 0। ये एज ए इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से ओ से बी की दूरी और सी की भी दूरी बराबर होगी, बिल्कुल होगी ना जी? तो हम लोग अब वहाँ पे ले लेते हैं इस तरह। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं यहाँ ले लेते हैं ओ बी इक्वल टू में ओ सी और वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर तो इधर आ जाएगा आपका ओ बी का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर। दूरी सूत्र लगाते हैं यहाँ भी, x-7 का स्क्वायर और प्लस में y+1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका x-8 का स्क्वायर और प्लस में y-6 का स्क्वायर। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, x² -2 × x × 7 +7 का स्क्वायर, y² + 2 × y × 1 और +1 का स्क्वायर। इधर देखिए x² - 2 × x × 8 + 8 का स्क्वायर, इधर y² - 2 × y × 6 + 6 का स्क्वायर। x² y² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए -14x + 2y यहाँ पर 49 और +1, इधर देखिए -16x + 12y + 64 और +36, ठीक है ना जी? चलिए अब इसके बाद देखिए -14x + 2y + 50 = -16x - 12y और ये आपका 100 हो जाएगा। चलिए अब इसको एक तरफ कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को उधर लेके चल लेते हैं, -14x + 2y + 16x + 12y = 100 और -50।
चलिए यहाँ पर देखते हैं, 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा जी आपका आ जाएगा 14y और इक्वल टू में 50। 2 कॉमन कर लो, x प्लस का 7y इक्वल टू में 50, ये जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस का 7y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से 25 एज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन सेकंड को देखो, तो उसमें आपका 3x-4y इक्वल टू 0 है, तो इसमें 3, इसमें 3 से इंटू कर दो, उसमें 1 से ही रहने दो। अब देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, वो था आपका 3x माइनस का 4y इक्वल टू में 0, और यहाँ देखिए 3 से गुना करते हैं, 3x था ना यहाँ, इसमें 3 से गुना करते हैं, 3x प्लस का 21y इक्वल टू में 75, यहाँ साइन चेंज कर जाएगा, माइनस और 25y, इधर माइनस का 75, और ये जाएगा भाग में, तो y का मान 3 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का 7y की जगह पर 3 इक्वल टू में क्या, 25 इक्वल टू में 25 है। अब देखो x प्लस का 21 इक्वल टू में 25, ये जाकर उधर घटेगा, तो x का मान 4 आ जाएगा ठीक है। इसलिए इसलिए वृत्त का केंद्र इसका क्या हो जाएगा, 4,3, केंद्र का निशान 4,3। अच्छा वृत्त की त्रिज्या भी निकाल, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, केंद्र पता चल गया तो नहीं निकल जाएगा, केंद्र आपका हो गया 4,3, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या कोई भी दूरी निकाल लेते हैं, ओए ओबी कुछ भी, ओए ही निकालो ना, रूट ऑफ 4-1 का स्क्वायर और प्लस में 3-7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 9 + 16 √25 यानी कि 5 आ जाएगा, 5 इकाई हो जाएगी त्रिज्या, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 34 नंबर देख